दोस्तों क्या आपको पता है कि एक अंडे से तितली का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तितलियां पेड़ पौधों की पत्तियों पर अंडे देती हैं, जो किसी भी रंग के हो सकते हैं। फिर कुछ समय बाद अंडे में लार्वा बनने के बाद इनका रंग भी बदलने लगता है और अंडे में कुछ हलचल भी महसूस होती है। फिर लगभग 5 दिनों के बाद अंडा काला हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि लार्वा के बाहर आने का समय हो चुका है। फिर जब लार्वा बाहर आता है तो उस अंडे की परत और पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। 10 दिन बाद यही लार्वा 3 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और इसी दौरान वो अपनी स्किन भी बदलता रहता है। फिर इसके 20 से 25 दिनों बाद ये पूरी तरह से ग्रो हो जाता है और तितली बनने के लिए प्यूपा के निर्माण में लग जाता है, जिसके लिए वो अपनी लार से चिपचिपा पदार्थ तैयार करता है और वो अपने शरीर का पिछला हिस्सा उससे अटैच कर देता है। फिर वो अपनी लार से अपने आसपास एक सुरक्षित लेयर तैयार करता है और थोड़ी ही देर बाद प्यूपा में बदल जाता है। 1 महीने बाद इसके शरीर में बदलाव होने लगता है और साथ ही इसमें हलचल भी महसूस होने लगती है और देखते ही देखते इसमें से एक सुंदर तितली बाहर आती है। वैसे क्या आपको तितलियां पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना।